अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सोहेल है और आप देख रहे हैं हाउ टू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टू वे स्विच की मुकम्मल तफसील बताएंगे कि ये टू वे स्विच जो है इसकी वायरिंग कैसे की जाती है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये जो हमारे पास टू वे स्विच हैं ये स्टेयर के सर्किट में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि सीढ़ियों में जो सर्किट होता है, यानी कि अगर आप नीचे खड़े हैं तो आप नीचे से बटन ऑन करेंगे तो बल्ब जो है वो ऑन होगा और ऊपर जाकर जब आप दोबारा से बटन ऑफ करेंगे तो जो हमारा बल्ब है वो या कोई भी लोड है वो ऑफ हो जाएगा। दोस्तों इसके सर्किट की जो डायग्राम है वो दो किस्म की आज हम आपको बताएंगे। एक में दोस्तों थोड़ी जो केबल है वो ज़्यादा लगती है और एक में आप जो है वो केबल बचा सकते हैं। अब दोस्तों हम केस वन की जो वायरिंग है वो आपको करके दिखाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके पास टू वे स्विच होने चाहिए दो अदद और एक आपके पास पियानो होल्डर होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों हमने करना ये है कि हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट में जम्पर लगाना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट में जम्पर लगाना है। ये देखिए दोस्तों ये हमने लोड वन से लोड वन में एक जंपर लगा दिया और लोड टू से लोड टू में एक जंपर लगा दिया। अब दोस्तों हम फेस यहाँ पे देंगे या आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। अब दोस्तों हम फेस इधर देंगे और जो बल्ब की एक वायर होगी वो यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमारा ये कनेक्शन है ये पूरा हो चुका है। अब देखें दोस्तों ये जो स्विच वन है इसके लोड वन से हमने ये एक केबल लगाई स्विच टू के लोड वन में, उसके बाद हमने स्विच वन का ये जो हमारे पास लोड टू है यहाँ से हमने केबल लगाई स्विच टू के लोड वन में, उसके बाद दोस्तों ये जो हमारे पास ये एक केबल है इसमें हम फेस देंगे और ये जो हमारे पास एक केबल है ये हमारे पास पियानो होल्डर है इसके एक पॉइंट में दे देंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमने केबल जो है ये होल्डर के पियानो होल्डर के एक पॉइंट में दे दी। अब दोस्तों हमारा जो न्यूट्रल है वो हम इस होल्डर के इस पॉइंट से निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो ये टू वे की डायग्राम है केस वन की ये मुकम्मल हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं ये हमने न्यूट्रल इसमें से होल्डर में से निकाली है। अब दोस्तों इसको हम ऑन करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये हमने जो हमारी केस वन की जो डायग्राम थी उसके लिहाज से हमने इसकी वायरिंग जो है ये कर दी है। लोड के तौर पर दोस्तों हमने एक 100 वाट का बल्ब जो है इसमें लगाया है और यहाँ से हम इसकी सप्लाई देंगे, यहाँ से फेस जाएगा और यहाँ से न्यूट्रल जो है ये आएगी। अभी इसको हम ऑन करके आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब दोस्तों मिसाल के तौर पर आप नीचे खड़े हैं और आपने बल्ब ऑन करना है तो आप नीचे से बटन को ऑन करेंगे तो आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। अब आप ऊपर गए हैं तो आपने अपना जो बटन है वो ऑफ करना है तो आप इसको नीचे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा केस टू है ये आप देख सकते हैं ये हमारा केस टू है। आपने करना ये है कि आपने ये जो हमारे पास स्विच वन है इसके लोड वन में और लोड टू में आपने ऊपर वाले में फेस देना है और नीचे वाले में न्यूट्रल देना है। इसी तरह ऊपर वाला जो आपका स्विच होगा ऊपर वाले स्विच में भी आपने ऊपर फेस देना है और नीचे न्यूट्रल देना है। इसके बाद दोस्तों आपने करना ये है कि ये जो आपका होल्डर है ये इसका दोस्तों एक जो टर्मिनल का पॉइंट है वो आपने स्विच टू के कॉमन में देना है और ये जो आपका ये दूसरा बच जाएगा पॉइंट ये आपने स्विच वन के कॉमन पॉइंट में देना है। अभी दोस्तों हम इसकी वायरिंग करते हैं फिर आपको इसको दिखाते हैं कि इसकी वायरिंग आपने कैसे करनी है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा फेस आ गया ये न्यूट्रल आ गया, दूसरी साइड पर ये हमारा फेस आ गया ये न्यूट्रल आ गया, ये जो कॉमन जो हमारे पास दोनों स्विच के पॉइंट बचे थे यहाँ पर हमने हमारा जो लोड है इसका एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया और दूसरा यहाँ पे लगा दिया। इस दोस्तों ये जो हमारे पास केस टू है इसमें आप ये जो वायर है इसकी बचत कर सकते हैं। पीछे जो हमने केस वन जो आपको बताया उसमें जो हमारी केबल थी वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी, इस तरह दोस्तों आप केबल को बचा सकते हैं। अब दोस्तों इस स्विच में भी हम फेस और न्यूट्रल देंगे और इस स्विच में भी हम फेस और न्यूट्रल देंगे और उसके बाद दोस्तों ये टेस्ट करके हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे सप्लाई जो है ये दे दी है। अब हम दोस्तों मिसाल के तौर पर हम नीचे खड़े हैं और हमने बटन को ऑन करना है या हम बाथरूम के एक डोर में हैं तो हम यहाँ से इसको बटन को ऑन करेंगे तो ये हमारा
ये लोड है ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों हम ऊपर चले गए या आपने दूसरे जो डोर है बाथरूम का वहाँ पे आपने ऑफ करना है बटन को, तो यहाँ से आप नीचे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह ये जो स्टेयर केस सर्किट है ये काम करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।